हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 81 देशों के छात्रों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां, जाने कहां लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। इंसानों से पहले चूहे, खरगोश और बंदरों पर हो चुका है कोविड वैक्सीन का परीक्षण। कोरोना वैक्सीन लगवाने की उम्र सीमा तुरंत क्यों नहीं हटा रही मोदी सरकार। मास्क न पहनने पर युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 2 कांस्टेबल सस्पेंड। भारत में 8,999 रुपए शुरुआती कीमत वाले ये है सैमसंग के नए फोन्स। RBI के फैसले से फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने वालों को होगा फायदा। जियो, एयरटेल और VI के बेहद सस्ते प्लान, 100 रुपए से कम कीमत में मिलेगा 6 GB तक डेटा। कोरोना मामलों ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दूसरी बार देश में एक दिन में 1,00,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना केस आए और 630 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 59,856 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को 1,03,000 नए कोरोना केस आए थे। दोस्तों, आज देश में कोरोना की स्थिति, कुल कोरोना केस है 1,28,01,785, कुल डिस्चार्ज है 1,17,92,135, कुल एक्टिव केसेस है 8,43,473, कुल मौतें हैं 1,66,177, कुल टीकाकरण हुआ है 8,70,77,474। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनाव से बचने का मंत्र देते दिखेंगे। इसके साथ ही वे छात्रों को परीक्षा से जुड़ी तैयारी को और बेहतर करने की टिप्स भी देंगे। पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत शाम 7 बजे होगी। ये कार्यक्रम पहली बार वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम छात्रों के सवालों का भी जवाब देंगे। इसमें देश व विदेश के छात्र शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश दुनिया के 14,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगा दी है। दिल्ली अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। वहीं गुजरात सरकार ने भी 30 अप्रैल तक 20 प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। गुजरात सरकार ने 30 अप्रैल तक गुजरात के 20 प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण देश पे बेकाबू तरीके से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के लाखों लोग खुद को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए कोवैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वैक्सीन ने कईयों की जान बचाई है। कई जगहों पर संक्रमण बीमारी को फैलने से रोकने में मदद की है। हमें इस वैक्सीन के लिए चूहे, सीरियाई, हैमस्टर, खरगोश और रीसिस मकाक बंदर को धन्यवाद करना चाहिए। दरअसल चूहे, सीरियाई, हैमस्टर, खरगोश और रीसिस मकाक बंदर ही वो जानवर थे जिन्हें भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए 3 वैक्सीन का सबसे पहला डोज दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर 25 साल से ऊपर सभी को कोरोना का टीका लगवाने की इजाजत मांगी है। वहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत सरकार के लिए पाकिस्तान के लोगों की जान की कीमत भारत के लोगों की जान की कीमत से ज्यादा है। उनका इशारा वैक्सीन निर्यात के फैसले को लेकर था। इसी तरह की गुहार राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, केंद्र सरकार तुरंत कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा को हटाए, जिससे कम समय में अधिक लोगों का टीकाकरण कर संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है।
कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन कार्यक्रम जारी है। हालांकि इसी बीच खबरें आई थी कि टीका लगवाने के बाद भी लोग वायरस का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इस समस्या से निपटने का तरीका खोजा है। अब कोविड 19 के सैंपल टेस्ट में फॉर्म में नया कॉलम मिलेगा, जिसमें आपको वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां देनी होंगी। फिलहाल सरकार के पास ऐसे मामलों का पता करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने टीका लेने के बाद संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा जुटाने की नई व्यवस्था की है। कोविड 19 के सैंपल टेस्ट के फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा गया है। अब इस सैंपल रेफरेंस फॉर्म में व्यक्ति को बताना होगा कि उन्हें टीका लगा है या नहीं। अगर टीका लगा है तो उन्हें वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां देनी होगी। इनमें वैक्सीन का नाम, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, तारीख जैसी जानकारी साझा करनी होगी। देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हालांकि इस सख्ती के दौरान कई बार सीमाएं लांघ दी जा रही है और कभी पिटाई तो कभी बदसुलूकी की खबरें सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया है, जहां मास्क न पहनने पर एक आदमी की दो पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की है। इस दौरान एक 35 वर्षीय शख्स बिना मास्क पहने दिखाई दिया। पुलिस के दो जवानों ने उसे रोक लिया। अचानक जवान उस आदमी को पीटने लगे। इस पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद आला अधिकारियों ने आरोपी दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सैमसंग ने भारत में अपने दो नए बजट स्मार्टफोन्स गैलेक्सी F02S और गैलेक्सी F12 को लॉन्च किया है। ये कंपनी की F सीरीज के लेटेस्ट मॉडल्स है। इन फोन्स की शुरुआती कीमत 8,999 रुपए रखी गई है। इनमें से गैलेक्सी F12 डिस्प्ले और क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। गैलेक्सी F02S की बात करें तो भारत में इसके 3GB प्लस 32GB वेरियंट की कीमत 8,999 रुपए और 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपए रखी गई है। इसे डायमंड ब्लैक, डायमंड ब्लू और डायमंड व्हाइट कलर ऑप्शन में उतारा गया है। वहीं गैलेक्सी F12 की बात करें तो इसके 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए और 4GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए रखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। RBI ने लगातार छठी बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। 3 दिवसीय बैठक के बाद RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये 4% की दर पर कायम है। नीतिगत ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट के जरिए बचत करने वालों के लिए अच्छी खबर है। बैंक आगे भी FD पर ब्याज दर घटाने का फैसला नहीं लेंगे। वर्तमान में FD पर बैंक 2.9% से लेकर 5.4% तक का ब्याज दे रही है। 200 टेलीकॉम कंपनियों के बीच सस्ते प्लान को लेकर इन दिनों कड़ी टक्कर चल रही है, जिसका मकसद ग्राहकों को लुभाना है। रिलायंस जियो, एयरटेल और VI अपने अपने ग्राहकों को अलग अलग तरीके के कई सस्ते रिचार्ज प्लान्स ऑफर करते हैं। तीनों दिग्गज कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स पेश करती है और खास बात यह है कि कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं जिनकी कीमत 100 रुपए से कम की रखी गई है। हम आपको जियो, एयरटेल और VI जैसे पॉपुलर टेलीकॉम कंपनियों के कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 100 रुपए से कम कीमत में उपलब्ध है। अच्छी बात तो ये है कि 100 रुपए से कम कीमत वाले इन प्लान्स में डेटा और फ्री कॉलिंग जैसी सुविधाएं समेत बाकी कई फायदे भी मिलते हैं।